में दिखाते हैं। छह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीट पर करीब 60% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर 59% मतदान हुआ। 1984 में इस सीट पर 58% करीब वोटिंग हुई थी। इस तरह बारामूला में 40 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में करीब 74.65% मतदान हुआ। सबसे कम करीब 54% वोटिंग महाराष्ट्र में हुई। यूपी में बाराबंकी में सबसे ज्यादा करीब 66.89 और गोंडा में सबसे कम 51.45% मतदान हुआ। रायबरेली में 57.85 तो अमेठी में 54.17% वोटिंग हुई। बिहार में 54.85, झारखंड में 63.07, लद्दाख में करीब 69%, उड़ीसा में 67%, उत्तर प्रदेश में 57% वोटिंग हुई। मतदान अधिकारियों ने ईवीएम मशीनें सील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और यूपी के चुनावी दौरे पर रहेंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर दोपहर महाराजगंज में और इसके बाद प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पीएम 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। बीजेपी का दावा है कि आधी आबादी से जुड़ा इतना बड़ा चुनावी सम्मेलन इससे पहले नहीं हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ईरान के साथ खड़ा है भारत, आज आधा झुका रहेगा तिरंगा। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में पीएम मोदी की रैली हुई। इस दौरान पीएम ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में दंगे होना आम बात है, टीएमसी को सिर्फ वोट बैंक की चिंता। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। श्रीलंकाई नागरिक हैं सभी आतंकी। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर गुजरात डीजीपी विकास साय ने कहा कि किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने पहुंचे थे भारत, आईएसआईएस से जुड़े हैं आतंकियों के तार। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद वो दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के आवास पहुंचे। वहां उन्होंने सुशील कुमार मोदी के फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की।